जिन बच्चों ने रिसेंटली अभी सीसेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया उनके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग कोचिंग, ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, सिंगल ग्रुप अपेयर करें बोथ ग्रुप अपेयर करें, सीएस एंड कॉलेज एग्जाम को साथ में कैसे मैनेज करें, ओवरऑल सीएस एग्जीक्यूटिव को कैसे फेस करें, बिकॉज सीएस एग्जीक्यूटिव इज होल डिफरेंट बॉल गेम राइट। ये सारे पॉइंट्स पर बढ़ने से पहले मेरे को एक डाउट क्लियर करना है जो कि बहुत सिंपल डाउट है। आधे जो भी बच्चे अभी सीसेट पास हुए उनको लग रहा है कि हम दोनों मॉड्यूल के लिए अपेयर कर सकते हैं फॉर दिसंबर 24, जो कि है नहीं राइट। आप एलिजिबल ही नहीं हो बोथ मॉड्यूल को अपेयर करने के लिए इन दिसंबर 24। आप कोई भी एक मॉड्यूल अपेयर कर सकते हो इन दिसंबर 24 अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई, ये जुलाई के पहले पहले 31 जुलाई के पहले पहले अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो आप कोई भी एक मॉड्यूल, इधर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, दोनों में से कोई भी एक मॉड्यूल आपके मन मुताबिक आप कोई भी एक मॉड्यूल अपेयर कर सकते हो। कब? दिसंबर 24 में। ओके, ये समझा। अगर आपको बोथ मॉड्यूल के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो कि आप ये दिसंबर में नहीं कर पाओगे, जून 25 में करना पड़ेगा। बोथ मॉड्यूल के लिए रजिस्टर करना है तो आपको कब रजिस्टर करना पड़ेगा? 30 नवंबर के पहले पहले अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो टू अपियर फॉर बोथ मॉड्यूल इन जून 25। ओके, ये बेसिक डाउट क्लियर हुआ। आधे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि मैं प्रिपेयर कर लूँगा, मैं पढ़ाई कर लूँगा, क्या मैं बोथ मॉड्यूल के लिए अपियर कर लूँ दिसंबर 24 में? मैंने बोला नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो ओके, ये बेसिक डाउट क्लियर हुआ। एक आधा और बेसिक डाउट, सीएस एग्जीक्यूटिव की फीस कितनी है? 17,000 है, पहले 10,000 थी, अभी 17,000 है। और आपको तीन इवेंट राइट। ओके, और ये प्रोसीजरल डाउट क्लियर कर रहा हूँ, हम मेन वीडियो पे जाएंगे, बट ये छोटे छोटे प्रोसीजरल डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आप एक बेटर लेवल पे आओगे। ओके, लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाओगे। तो आपको तीन इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन तीन इवेंट्स, ये तीन इवेंट्स को क्लियर करना पड़ेगा बिफोर सीएस एग्जीक्यूटिव की एग्जाम में बैठने के लिए राइट। चाहे आप दिसंबर 24 में एक मॉड्यूल के लिए बैठो या जून 25 में दोनों मॉड्यूल के लिए बैठो, बट एग्जाम में बैठने से पहले आपको ये तीन इवेंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। कौन कौन से इवेंट्स है? ODOP सुनाऊंगा, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एक दिन में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, प्री एग्जाम टेस्ट राइट। ये दो इवेंट हो गए, ODOP और एक प्री एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा। इसकी आई थिंक ये भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज आप चेकआउट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दो दिन में हो जाता है। ODOP प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ये दोनों चीज़ें आप कर लोगे देन आप एलिजिबल रहोगे एग्जाम फॉर्म भरने के लिए कि हाँ मैं एग्जाम फॉर्म भर सकता हूँ राइट। एग्जाम फॉर्म भर दिया देन आप सीएस एग्जीक्यूटिव की एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल रहोगे राइट। ODOP करो, प्री एग्जाम टेस्ट दो, उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम फॉर्म भर दिया फिर आप जून 25 या दिसंबर 24 में एलिजिबल रहोगे राइट। ये बेसिक डाउट्स क्लियर हो गए। पहले आपको आपकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट पता चल गई, 31 जुलाई, एक मॉड्यूल, कोई भी एक मॉड्यूल अपेयर करना है दिसंबर 24, 30 नवंबर, जून 25, 31 जुलाई, दिसंबर 24, 30th नवंबर, जून 25। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी है राइट। दोनों मॉड्यूल के लिए अपेयर करना, टेंशन मत लो, 30th नवंबर तक कभी भी रजिस्टर कर सकते हो, 17,000 फीस है। ओके, और तीन इवेंट करने में को ODOP करनी पड़ेगी मेरे को मेरी एग्जाम में बैठने से पहले, प्री टेस्ट देना पड़ेगा एग्जाम में बैठने से पहले, और एक और एग्जाम फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं एग्जाम में बैठूंगा कैसे। ओके, ये प्रोसीजरल डाउट क्लियर हो गए। अभी हम चलते हैं मेन वीडियो पे कि सीएस एग्जीक्यूटिव को हमें फेस कैसे करना है। ओके, तो कोचिंग्स पे भी आएंगे हम, ग्रुप्स पे भी आएंगे, बट उसके पहले मेरे को आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है राइट। पता है पहले सीसेट के पहले सीएस फाउंडेशन था, और सीएस फाउंडेशन में मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था। तो जस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट गेस, ओके ये मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट गेस कीजिए कि मेरे को सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगे होंगे, लाइक गेस कीजिए। क्योंकि एक लड़के का ऑल इंडिया रैंक आया, जलगांव से आई थिंक दो तीन स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक आया था राइट, मैं जलगांव से हूँ। तो हमें एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगे होंगे? एक तो मतलब अगले साल ही, 2, 3, 4, 5 कितने लगे होंगे राइट। मुझे पर्सनली 5 अटेम्प्ट लगे टू क्लियर एग्जीक्यूटिव राइट, और एक अगर आप कोविड का हटा दो तो इफेक्टिवली 4 अटेम्प्ट्स तो लगे, मतलब टोटल दो ढाई साल लगा मुझे टू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव। उसमें कुछ अलग स्टोरी भी थी बीच में, बट वो हम अभी डिस्कस नहीं करते। बट इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आपको रीड बिटवीन द लाइन्स करो। एक लड़का जो सीएस फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक लाता है, सीसेट में फॉर एग्जाम्पल सीसेट में अच्छा स्कोर करता है, दैट मीन्स क्या उसकी गारंटी है कि वो सीएस एग्जीक्यूटिव भी पास हो जाएगा? जिस बच्चे ने AIR 16 लेके आया है, इवन दो उसको 4-5 अटेम्प्ट लग रहे, और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे
कुछ ऐसे थे जिनको सीसेट में वो लाइक ऑन डॉट पास हुए, डॉट टू डॉट पास हुए, या फिर थोड़े उनका ऑल इंडिया रैंक नहीं आया, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया सीएस एग्जीक्यूटिव। इन शॉर्ट मुझे क्या बोलना है, इट डजेंट इवन मैटर आपको सीएस फाउंडेशन सीसेट में कितने भी मार्क्स आए हो, सीएस एग्जीक्यूटिव एक न्यू लेवल है। वो पूरा का पूरा आपके हार्डवर्क, आपके डिटर्मिनेशन, आपके डेडिकेशन, आप कितना ग्राइंड करते हो वो पीरियड के दौरान, उसी हिसाब से आपको मार्क्स आने वाले। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका क्या ऑल इंडिया रैंक है, आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, कौन से एथनिसिटी से आ रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। एक ही चीज़ मैटर करती है, आपने कितने घंटे दिए इस एग्ज़ाम के टाइम पे, कितना पढ़ा है आपने, बस वही ही मैटर करेगा, राइट। तो ये समझ गए आप, सीएस फाउंडेशन के मार्क्स, आपका जो भी रैंक हो, जो भी एकेडमिक्स में जो भी क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। एक ही चीज़ मैटर करती है सीएस एग्जीक्यूटिव में, वो है हार्डवर्क। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं आपको मीन्स आपको लगेगा कि मैं डरा रहा हूँ आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, बट मैं सिर्फ आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव, राइट। कुछ तो कारण होगा कि इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगते हैं बच्चों के, कुछ तो कारण होगा सीएस एग्जीक्यूटिव इतना हार्ड है, राइट। अगर हम नंबर्स देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, राइट, पहले एक बार हम नंबर्स चेक करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर आप देखो पिछले पासिंग परसेंटेज देखोगे मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू के, तो आप देखोगे 10%, 12%, 15%, 5%, ऐसे पासिंग परसेंटेज है 16%। अगर हम ऑप्टिमिस्टिक नंबर भी लेते तो 20% के ऊपर नहीं आता है। और ये आईसीएसआई कभी भी बोथ मॉड्यूल का पासिंग परसेंटेज शेयर नहीं करता है, राइट। दोनों मॉड्यूल साथ में जो बच्चे दे रहे, क्योंकि वो नंबर इतना लो है, इतना डिस्करेजिंग है कि आईसीएसआई उसे लाइक रिवील नहीं करता वो नंबर। सो आईसीएसआई एक मॉड्यूल में कितने बच्चे पास हुए, वो भी ऑप्टिमिस्टिक नंबर लेते हैं 15%, 20%। फॉर एग्जांपल 10 बच्चों का कोई ग्रुप है, राइट, तो उसमें से सिर्फ 2 लड़के ही पास होने वाले, 20% रिजल्ट है, मतलब 10 लड़के जो सीसेट पास हुए उसमें से अगर हम नंबर्स देखें, स्टैटिस्टिक देखें, जो कि सच है, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, राइट। जो कि आई नो आपके अंदर, मैं अभी आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट फॉर एग्जांपल आपका 10 लोगों का ग्रुप, एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें से सिर्फ 2 ही लड़के होंगे, ये भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नंबर ले रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही लड़के पास होंगे और 8 बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव फेल होने वाले हैं, राइट। मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ अबाउट दिस नंबर्स, राइट। इंडिया में देखो, एक इंडिया 140 करोड़ का देश है, तो इसमें आप नंबर देख के कुछ कर नहीं सकते हो, राइट। मीन्स नंबर देख के कुछ करोगे, ऑड्स देखोगे, तो आप कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करोगे। बट अगर मुझे नंबर पता है, अगर मुझे पता है कि मैं वॉर में एंटर होने वाला हूँ, तो बेटर रहेगा मैं प्रिपेयर कर लूँ अपने आप को, बेटर रहेगा कि मैं हार्डवर्क कर लूँ। ऐसा ना हो कि आप दिसंबर जून 25 आ जाए, फिर आपको रियलाइजेशन हो, ओके ये एग्ज़ाम इतनी हार्ड है, आई शुड प्रिपेयर मोर, रैदर देन आप अभी से प्रिपेयर करो उस एग्ज़ाम के लिए। जून 25 या दिसंबर 24 जब भी आप अपेयर करने वाले हो, आप अभी से फ्रॉम डे वन आप स्टार्टिंग से एक वॉर देखिए। ये आपने आपकी लाइफ में कभी भी फेल देखा नहीं होगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ फेलियर का एक कारण है कि वो फेल, जब आप जब भी फर्स्ट टाइम फेल देखते हो ना, तो वो एक बार फेल नहीं होते, वो फ्यूचर में और भी फेलियर लेके आता है। मींस पहला अटेम्प्ट, दैट मींस व्हाट आई मीन टू से इज कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही गोल्डन अटेम्प्ट रहता है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया ना, कि वो आपको पता नहीं चलेगा आपने कैसे निकाल लिया। फर्स्ट अगर कोई चीज, आप अगर स्विमिंग पूल में लाइक 10 फीट 15 फीट से डाइव कर रहे हो, अगर आप बिना सोचे समझे कूद गए, तो वो दैट्स इट, तभी आप कूद सकते हो। अगर आपने एक भी सिंगल थॉट भी दे दिया कूदू ना कूदू, दैट्स इट, फिर आप कूदने वाले नहीं हो, चाहे किसी को के धक्का देना पड़े। वैसे ही सीएस एग्जीक्यूटिव, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए तो पास हो गए, अगर आपने गलती से भी एक बार फेल हो गए, मैं बेट करता हूँ सेकंड अटेम्प्ट उससे भी हार्ड रहेगा, थर्ड अटेम्प्ट उससे भी हार्ड रहेगा, फेलियर की स्ट्रीक चालू हो जाएंगी। जून दिसंबर कब करते आपकी 3 से 4 साल निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इससे मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दैट्स व्हाई हम सीएस के साथ बीकॉम करते हैं। तो गलती से भी मेरी तरह, मैंने बीकॉम नहीं किया था, इसी मिस्टेक गलती से भी मत करना, राइट। सीएस के साथ आपको बीकॉम करना है। ओम क्यों, बीकॉम से मैं कोई लिस्टेड कंपनी में जॉब लग जाएंगी या कहीं पर नौकरी लग जाएंगी, नहीं, बीकॉम से आपको नौकरी नहीं लगने वाली, बट बीकॉम आपको एक एलिजिबिलिटी देंगे बाकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, जो भी सीबीएसई की एग्जामिनेशन होती है उनमें अपीयर, अगर आप ग्रेजुएट नहीं रहोगे तो आप एग्जामिनेशन के लिए भी अपीयर नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई बीकॉम प्लस सीएस, बाय चांस अगर मैं सीएस नहीं बना तो बीकॉम विल सेव मी। बीकॉम के वजह से आप एलिजिबल हो जाओगे बैंकिंग एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन बैठने के लिए, और ये गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। सीएस फॉर एग्जाम्पल आप इनमें जूनियर एसोसिएट करते हो तो वो सीएस से थोड़ा कम होगी, बट गवर्नमेंट जॉब है, हॉलीडेज है, गुड टू गो है, स्वीट जॉब है, राइट। मीन्स गवर्नमेंट है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, फुल रिस्पेक्टफुल जॉब है, बट आप प्रोबेशनरी ऑफिसर करते हो तो वो सीएस एक ही लेवल की, पीयू के लिए अपेयर करते हो, जिसमें प्री मेंस
इंटरव्यू रहता है। आधे लोग बोलोगे सीएस की बातें करते करते कहा आप मेरे को बैंकिंग की एग्जामिनेशन, सीधा कोर्स ही चेंज कर दिया, राइट। नहीं नहीं मैं कोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ राइट, मेरे को ओवरऑल गाइडेंस देना कि आधे बच्चे, आधे नहीं मतलब 10-15% बच्चे जो कि बीकॉम नहीं करते बिकॉज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, उनको लगता है सीएस की वजह से मेरे को सीधा पीजी का स्टेटस मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो मैं क्यों करूँ। बट सीएस क्लियर करना अलग गेम है, होल डिफरेंट बॉल गेम है, राइट। वही बोल रहा हूँ मैं, दैट्स व्हाई आप बीकॉम, मेरा सेकेंड पॉइंट कनेक्ट हुआ, दैट्स वाई हमें बी कॉम साथ में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे कॉलेज चूज करो जहाँ पे अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट ना हो और आप साथ साथ में बी कॉम से पेपर अपेयर करो। और सी एस का सब्जेक्ट, सी एस का सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको बी कॉम एक दिन में पास हो जाओगे। आप बी कॉम बस वो आपको एक दिन की मेहनत करनी है कि हाँ मैं एग्जाम में अपेयर कर रहा हूँ। तो समझे आप मैं क्यों सी एस प्लस बी कॉम बोलता हूँ। बी कॉम का लोग रीज़न नहीं बताएंगे कि क्यों अपेयर करना है। अपेयर इसलिए करना है अगर आप बाई चांस सी एस नहीं बने तो आप बाकी एग्जामिनेशन के लिए बैठ सको, ओके समझे। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि सी एस एग्जीक्यूटिव को फेस कैसे करें। मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कि कितना टफ कोर्स है। एक नंबर देना चाहता हूँ, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी 70,000 है, ओके 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ सी एस 70,000 है। 140 करोड़ का देश है और सिर्फ 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज है, राइट। दैट मीन्स आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना टफ कोर्स है। और इस कोर्स में सबसे टफेस्ट लेवल सी एस एग्जीक्यूटिव होम, सी एस प्रोफेशनल फाइनल लेवल टफ नहीं है, वो भी टफ है, बट सी एस एग्जीक्यूटिव में आप इतनी मेहनत कर लेते हो, इतनी मेहनत कर लेते हो कि सी एस प्रोफेशनल आपको मीन्स उतना टफ नहीं लगता है, बट एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा टफ लगता है, राइट। देयर इज अ रीजन कि क्यों आपको एग्जीक्यूटिव में इतनी मेहनत करनी है, राइट। एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद आपको प्रोफेशनल लेवल भी निकालना है। प्रोफेशनल पास करोगे, एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का भी ड्यूरेशन है जो कि 21 मंथ्स आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करनी है। बींग एन इंटर्न इट्स नॉट दैट इजी कि आप इंटर्नशिप, हाँ कोई कोई का हनीमून पीरियड रहता है इंटर्नशिप में, राइट, अच्छे प्रिंसिपल्स मिल जाते, अच्छे कलीग्स मिल जाते तो इंटर्नशिप अच्छे से निकलती है। बट इंटर्नशिप भी एक टफ पीरियड है कि वहां पे लेट नाइट्स रुकना पड़ता है, रात रात भर तक काम करना पड़ता है, कोई एक चीज को 10-10 घंटे की सीटिंग आवर्स देनी पड़ती है, 8-8 घंटे की सीटिंग आवर्स देनी पड़ती है, कोई बड़ी रिपोर्ट्स बनाते हो, एनुअल रिपोर्ट बनाते हो तब के टाइम पे, राइट। तो इतना सीटिंग आवर, इतना पेशेंस, बिना एंजाइटी के, बिना एग्रेशन के कब आएगा, जब आप एग्जीक्यूटिव में आपका बेस एकदम स्ट्रांग करते हो कि हाँ कोई भी अगर टफ काम आता है तो हम इजीली उसे कर पाए, उससे इरिटेट ना हो और वो काम को इजीली कर पाए, इफेक्टिवली कर पाए, एफिशिएंटली कर पाए। तो एग्जीक्यूटिव वही बेस है कि प्रोफेशनल, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, इन चीज़ों में आप एकदम सॉलिड बन के जाओ, राइट। इन चीज़ों में आप एज अ वॉरियर जाओ, ना कि एज अ नूब जाओ, ताकि आप उन चीज़ों में हार जाओ। तो एग्जीक्यूटिव आपका बेस प्रिपेयर करता है, राइट। अगर मैं आपको सिंपल टिप दूँ एग्जीक्यूटिव क्लियर करने की, एज सिंपल टिप दूँ, तो वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डेली रिविजन। जितने भी आवर्स की आपने क्लासेस की, क्लासेस में आपका फुल फोकस चाहिए और सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको हर कंसेप्ट को, राइट, आपको ग्रैस्प करना पड़ेगा। जितना हो सके उतना ग्रैस्प करो कि हाँ मैं इस कंसेप्ट को, और आपको इमेजिन करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें नहीं रहेंगी। स्टॉक मार्केट, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन जो भी रहेंगे वो आपको मीन्स इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता होगा, ऐसी बोर्ड मीटिंग होती होंगी, ऐसी EGM होती होंगी, ऐसे स्टॉक्स होते होंगे, ऐसे ट्रांसफर्स होते होंगे, शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह, राइट, स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको डिपॉजिटरीज, ये सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ये देखी नहीं। तो आपको आपकी इमेजिनेशन मीन्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल 7 बजे से लेकर सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक आपकी क्लासेस चली, इतनी तो चलेंगी। अगर आप बोथ ग्रुप की क्लासेस ले रहे हो और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है तो 8-10 घंटे की आपकी क्लासेस रहेंगी। देन मैं बोलता हूँ 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो, बट उसी टाइम उसी दिन आप फॉर एग्जाम्पल 5 बजे आपकी क्लासेस छूटी तो 7 o'clock से लेकर 9 o'clock या 10 o'clock, दो चलो 9 o'clock भी दे दिए, मिनिमम 2 घंटे भी आपने रिविजन कर ली, मीन्स क्लासेस पूरी की प्लस 2 घंटे जितना भी क्लासेस में पढ़ाया उतना आप ने आके रिवीजन कर लिया और डेली रिवीजन कर लिया, राइट। तो क्लासेस खत्म हो जाएंगी, फिर आपके पास वो टाइम भी बचेंगे 8-10 घंटे। फिर जैसे ही क्लासेस खत्म हो जाती है तो आई थिंक आपके पास 2-3 महीने पड़े रहेंगे बिफोर द एग्जाम, राइट। क्लासेस खत्म हो गई, अब बिफोर द एग्जामिनेशन 2-3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। वहाँ पे अगर आपने मिनिमम 12-14 घंटे स्टार्टिंग के मंथ में, मैं बोलूँगा 10-10 घंटे पढ़ो, 11-11 घंटे से स्टार्ट करो, बट जैसे जैसे एग्जाम पास में आएंगे आपको सीटिंग आवर्स बढ़ानी पड़ेगी, 10-12-14 घंटे आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए और हर दिन कंसिस्टेंटली करना। ऐसा नहीं मंडे को कर दिया तो सीधा
ट्यूसडे वेनसडे ब्रेक ले लिया और थर्सडे को वापस से 10 घंटे, कुछ फ़ायदा नहीं है, आपकी स्ट्रीक लग जाएंगी, फेलियर की स्ट्रीक गारंटी लगेंगी, राइट। तो डे वन से कंसिस्टेंट रहना है कि जो भी क्लासेस में पढ़ाया है वो आके सिर्फ मिनिमम 2 घंटे पढ़ो, राइट। तो स्टार्टिंग के टाइम पे आपको इतना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है, जो भी सर लिखवा रहे हैं, जो भी क्लासेस में हो रहा है वो लिखना है, घर पे आके उसे 2 घंटे सिर्फ रिवाइज कर दो, दैट्स इट। और संडे को ब्रेक मिले तो वापस से पूरा रिवाइज करना है, जब भी संडे को या हॉलीडे कोई भी ब्रेक मिलता है फेस्टिवल्स में तो वापस जो भी क्लासेस में पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करो। जैसे ही क्लासेस खत्म हो जाती है, सारी क्लासेस सारे ग्रुप्स की, आपके पास 2-3 महीने का टाइम रहेगा उसमें, ओके जैसे ही क्लासेस खत्म हो जाती है आपके पास 2-3 महीने का टाइम रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, 10-10 घंटे की सिटिंग देनी, फर्स्ट मंथ 10 घंटे की स्टार्टिंग करो, फिर धीरे धीरे जैसे एग्जाम पास में आ रही है 12-12, 14-14 घंटे की सिटिंग्स देने लग जाओ। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ अगर आप ये फॉलो करोगे तो पास हो जाओगे, बट मैं ये बोलता हूँ कि द प्रोबेबिलिटी जो आपकी रहेगी पास करने की वो कई हद तक बढ़ जाएंगी अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो जो मैंने अभी बोली। कुछ नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डेली रिवीजन, जैसे क्लासेस खत्म होती है 10-10, 12-12 घंटे की सीटिंग, दैट्स इट। यही और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंसिस्टेंटली 8 से 9 महीने या 9 से 12 महीने तक करते रहनी पड़ेगी, तब जाके कुछ चांसेस है, कुछ मीन्स तब जाके अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस बोलूँगा मैं है कि आप एग्जीक्यूटिव सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे। और मैं बोलूँ ये टफ कोर्सेस है, जैसे मैंने बोला सिर्फ 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज है, राइट, आपको प्रोफेशनल भी क्लियर करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी आने वाली है, CLDP वगैरह, राइट। तो उसका बेस, उसका फाउंडेशन आप सीएस एग्जीक्यूटिव में ही प्रिपेयर करोगे। ओपन माइंड से जाना, अच्छे से पढ़ना, नए नए कंसेप्ट सीखोगे, घर पे आके उन पे और रिसर्च करना जितना हो सके। फॉर एग्जांपल सर ने बोला स्टॉक एक्सचेंज, तो घर पे आके उसके 1-2 वीडियोज़ यूट्यूब पे चेकआउट करना, कोई भी कंसेप्ट बोला, कोई भी वर्ड बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग FMSM में या कॉस्टिंग में, कोई भी वर्ड बोला उस वर्ड के बारे में घर पे आके और रिसर्च करना। AI है, गूगल है, आपके पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी टू क्लियर दिस कोर्स, तो उन चीज़ों का फुल एडवांटेज लेना, ओके। तो अब आते हैं कोचिंग पे कि ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले। देखिए मैं बोलूँगा अगर घर पे थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू नहीं है, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है कोई, इजीली घर वाले थोड़ा सा पैसा स्पेंड कर सकते हैं, और ये खुद के हिसाब से मत सोचना, घर वालों के हिसाब से सोचना, ओके। तो मैं बोलूँगा गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग में आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रहेगा उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा देन ऑनलाइन कोचिंग, राइट। ऑफलाइन कोचिंग का एक, मैं चाहता हूँ आप सिटी से बाहर निकले, मैं चाहता हूँ आप लाइक रियल लाइफ कोचिंग में जाए, फेस टू फेस क्लासेस ले, सर से बात करें, मार्केट देखें, एक बड़ी सिटी को एक्सप्लोर करें, हॉस्टल लाइफ जिए, जितना हो सके कम्युनिकेशन पे ध्यान दे, जितना हो सके आपकी कम्युनिकेशन बढ़ाए, स्ट्रीट स्मार्टनेस पे प्ले करें जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रीट स्मार्टनेस। क्योंकि क्या होगा अगर आपकी एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा एक कमरे में निकाल दोगे, घर में बैठोगे, बट आगे जाके आपको एक कॉरपोरेट में काम करना है या फर्म जो अगर आपको प्रैक्टिसिंग करना होगा तो कस्टमर से डील करना, राइट। तो मीन्स ह्यूमंस इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इस कोर्स में, शेयर होल्डर से डील करना पड़ेगा, डायरेक्टर से डील करना है, आपके कलीग से डील करना है, राइट। तो उसके लिए स्ट्रीट स्मार्टनेस लगेंगी, उसके लिए पॉलिटिक्स से थोड़ा सा डील करते आना चाहिए, तो वो सारा बेस आपका ऑलरेडी तैयार हो जाएगा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो। ऑनलाइन में ये सब चीज़ें आपको मीन्स इन चीज़ों में आप थोड़ी सी मार खाओगे, राइट, मीन्स थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट हो जाओगे, थोड़ा शाय हो जाओगे, जबकि ये कोर्स वोकल है, जितना ज़्यादा आप वोकल रहोगे उतना ज़्यादा आपके प्रमोशन, आई नो ये बैड चीज़ें, राइट, आपको यू शुड बी जज ऑन योर कैपेबिलिटीज, ना कि आप कितने वोकल हो, ना कि आप कितने एक्सट्रोवर्ट हो, उस पर जज होना चाहिए, बट कॉर्पोरेट ऐसे ही वर्क करता है, जो जितना ज़्यादा वोकल रहेगा एक्सट्रोवर्ट रहेगा, जो जितनी ज़्यादा लाइक जो जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा वो उतना ज़्यादा बेटर पोजीशन पे आते जाएंगे। दिस इज़ हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स, ऐसा मैं नहीं चाहता ऐसा ज़िंदगी में होना चाहिए, बट ऐसे आगे कॉर्पोरेट में काम होता है, आगे जाके आपको कॉर्पोरेट में काम करना है। तो अगर फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है तो गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग, राइट, ओके ऑफलाइन लीजिए, बट अगर फाइनेंशियल इशू है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन कोचिंग भी ले लीजिए, इतना भी कोई इशू नहीं आएगा, राइट। तो फिर मैं बोलूँगा आप यूट्यूब पे जितना हो सके इंग्लिश, आपके कम्युनिकेशन स्किल, इन पे काम कीजिए, ओके, जो फ्री टाइमिंग मिलेगा, एक कमरे में खुद को बंद करके मत रख लेना, ओके, दैट्स इट, सिर्फ वही मेरा कंसर्न है, अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना कोई फर्क नहीं है, टेक का फायदा उठाइए, ऑनलाइन भी कर लीजिए, बट कुछ पॉइंट्स है कि अगर घर में कोई इशू नहीं है तो आप ऑफलाइन लीजिए, और अगर ऐसा एक थोड़ा सा घर में इशू है, राइट, फाइनेंशियल इशू है, तो एग्जीक्यूटिव में ऑफलाइन कोचिंग ले लीजिए, और प्रोफेशनल में आप चाहो तो ऑनलाइन ले लेना, और जो भी आप इंटर्नशिप में कुछ पैसा छोटा मोटा कमा लो उससे पे बैक कर देना, राइट। तो प्रोफेशनल में गारंटी लेना कि हाँ मैं ऑनलाइन ले लूँगा अगर घर में कोई इशू है, बट एग्जीक्यूटिव जितना हो सके ट्राई करो कि ऑफलाइन लो।
ओके अब अगर मैं कोई कोचिंग का नाम रिकमेंड कर दूँ तो इस वीडियो का पर्पस डिफीट हो जाएगा कि क्यों मैंने ऑफलाइन बोला। तो दैट्स वाई अभी मैं कोई कोचिंग का नाम रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये सर की क्लासेस ले लो, वो सर की, अदरवाइज फिर क्या होगा, ये वीडियो का पूरा पर्पस वो डिफीट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ स्पॉन्सर है वगैरह वगैरह, कुछ सवाल उठेंगे जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हो। ये वीडियो जितना मैंने प्योर फॉर्म में बनाई है उतना ही प्योर फॉर्म में आप इस वीडियो को कैप्चर करो, इसीलिए मैं कोई कोचिंग का नाम या कोई क्लासेस का नाम रिकमेंड नहीं करूँगा, अदरवाइज वो लगेगा आपको हर पॉइंट जो मैंने बोला है उसके पीछे आप एक उल्टा दिमाग लगाओगे आपका कि हाँ इसने ये पॉइंट बोला ताकि आगे जाके ये कोचिंग का नाम बोले। ओके तो इसीलिए कोई कोचिंग का, दैट्स वाई मैं कोई कोचिंग रिकमेंड नहीं करूँगा। यूट्यूब पे सब डेमो क्लासेस पढ़ेंगे वो चेक कर लीजिए, सीनियर्स आपके जो भी सीनियर्स होंगे राइट उनसे पूछ लीजिए, पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए कि हाँ ये टीचर कैसा है, वो उनका पढ़ाना कैसा है, और यूट्यूब पे डेमो क्लासेस होंगे वो देख लीजिए। सिर्फ एक हिंट दूंगा, डेमो क्लासेस हर टीचर वही डालेगा जो वो सब्जेक्ट बेस्ट पढ़ा सकता है, जो वो टॉपिक बेस्ट पढ़ा सकता है, तो थोड़े अलग अलग उन्हें अलग अलग टॉपिक में जज कीजिएगा, एक दो डेमो लेक्चर देख के जज मत कीजिएगा, और दो तीन लेक्चर्स देखिएगा कि टीचर की स्टाइल कैसी है, कोई कंसेप्ट को वो कितने अच्छी तरीके से समझाता है सामने वाले को और क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से समझाता है राइट। क्योंकि अगर मेरे को डेमो लेक्चर डालना होगा तो मैं वही डालूंगा जो टॉपिक मुझे अच्छे से पढ़ाते आता है, तो ये छोटी सी टिप का ध्यान रखना। बाकी जितना हो सके आपके सीनियर से पूछे, इधर उधर से पूछ के आप, इट शुड बी टोटली योर डिसीजन राइट। तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं कोई क्लासेस का नाम रिकमेंड नहीं करूँगा, और आई होप आप ये जो मैंने पॉइंट बोला है उसकी रिस्पेक्ट करोगे, ऐसा नहीं कि कोई टीचर का नाम क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा है ऐसा वैसा। ओके नाउ ग्रुप वन के लिए जाए December 24 में, ग्रुप टू दोनों ग्रुप के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, मैंने पहले ही बोल दिया है। ग्रुप वन ग्रुप टू कौन से ग्रुप के लिए अपेयर करे तो करे, या इधर June 25 में बोथ ग्रुप दीजिए राइट। देखिए मैं बोलूँगा, अगर आप कोई क्लासेस आपको ये प्रॉमिस करता है कि वो आपका एक ग्रुप December 24 के एक लाइक 45-50 डेज पहले कंप्लीट करवा देगा, और 45-50 डेज आपके हाथ पे रहेगा वो ग्रुप को करने के लिए, और आपको कोई शौक नहीं ऑल इंडिया रैंक वगैरह वो टैग लेने का, आपको सिर्फ CS का नाम फटाक से लेना है, तो मैं बोलूँगा दे दीजिए कोई भी एक ग्रुप राइट जो टीचर प्रॉमिस करता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा ग्रुप वन लीजिए ग्रुप टू लीजिए, ग्रुप टू भी उतना ही हार्ड है ग्रुप वन भी उतना ही हार्ड है, कोई बोलेगा ग्रुप टू थोड़ा सा इजी है तीन सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ICSI है राइट, वो ऊपर ऊपर से दिखने में लग रहा है कि ग्रुप टू माइट बी इजी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है पासिंग परसेंटेज ग्रुप वन का ज़्यादा हो रैदर देन ग्रुप टू, फिर क्या करोगे आप राइट। तो एक बार आपके टीचर्स से पूछिए, टीचर्स कौन सी उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, कैसे क्लास लेने वाले रहेंगे राइट, कितने महीने में आपका सिलेबस वो कंप्लीट करेंगे, और भगा भगा के कंप्लीट नहीं करना है, एकदम परफेक्ट हर एक कंसेप्ट सिखा के। मुझे चलेगा मैं एग्जाम में फेल होऊंगा, बट मेरे को कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए क्योंकि मेरे को आगे जाके काम करना है राइट। व्हाट इफ मेरा बेसिक क्लियर नहीं है राइट, तो मेरे को उन्होंने सब्जेक्ट मीन्स भगा भगा के सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, बट इन द एंड में क्लियर भी नहीं हुआ तो मेरे पैसे भी गए, मैंने कुछ सीखा भी नहीं और एग्जाम में भी फेल हुआ, तो वो टोटल लॉस रहेगा। इससे अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेन रखना, भले मेरे को चलेगा दिसंबर में आप अटेम्प्ट स्किप कर रहे हो June 25, पहले ऐसा ही होता था, पहले तो आप एलिजिबल ही नहीं रहते थे एक ग्रुप देने के लिए भी, अब भी तो आप एलिजिबल हो एक ग्रुप देने के लिए इन विद इन 6 मंथ राइट। पहले आपको पूरा 1 ईयर वेट करना पड़ता था, लाइक December 23 में क्लियर हुए तो December 24 में अटेम्प्ट देते आएंगे दोनों ग्रुप, एक ग्रुप आपकी मर्जी। तो मैं बोलूँगा क्लासेस अच्छे से करो, आपका मेन गोल होना चाहिए कि मेरे को एक बार पास का June 25 तक सोचो मत, मेन गोल ये है कि मेरे को क्लासेस अच्छे से करनी है। बट हाँ कोई क्लासेस अगर गारंटी ले रहा है कि ये ग्रुप की क्लासेस ये टाइम तक ख़त्म हो जाएंगी, प्लस 45 डेज या 30-45 डेज आपके हाथ में रहेंगे, देन मैं बोलूँगा, और आपको जल्दी से डिग्री लेनी है, सबको जल्दी से लेनी है, तो मैं बोलूँगा तो एक रिस्क ले सकते हो आप, 31 जुलाई के पहले रजिस्टर करवा लो, और आपके क्लासेस के हिसाब से, क्योंकि आप उनके साथ काम करने वाले हो, उनके हिसाब से आप यू कैन गो फॉर एनी ग्रुप जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये कंप्लीट करवा देंगे। अदरवाइज आइडियल सिनेरियो क्या होगा, आप पूरी क्लासेस आराम से ले लो, आराम से मैराथन्स वगैरह सब अटेंड कर लो, टेस्ट सीरीज जो भी है सब दे लो, सारे कंसेप्ट आराम से सीख लो ओके, एंड देन June 25 में बोथ ग्रुप के लिए अपेयर करो। अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो June 25 में एक ग्रुप के लिए अपेयर किया तो भी कोई इशू नहीं है, लाइफ बहुत बढ़िया, आराम से दे सकते हो, कोई टाइमिंग का इशू नहीं होगा। June 25 में भी एक ग्रुप दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, जल्दी जल्दी CS लाइक मोस्टली जल्दी जल्दी CS बनने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा लेट कर देते, तो इट्स ओके जितनी पढ़ाई हुई तभी अपेयर करना ओके। तो ये होप मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2
सबसे मेन है क्लासेस अच्छे से करना, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना, फिर आपके हाथ में रहेगा मेरे को कब निकालना है, राइट। अगर सारे कुछ समझा ही नहीं है, फिर जस्ट आप रीड कर रहे हो कि हाँ एग्ज़ाम निकाल लूँ, कुछ फ़ायदा नहीं, आगे इंटर्नशिप में बहुत बुरा फंसोगे, राइट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेन है, सीएस सीखना मेन है, ये वर्डिंग्स मेन है, लॉ होता क्या है वो सीखना, वो सबसे ज़्यादा मेन है, राइट। ओके, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके ओके, तो आई होप इतना बड़ा वीडियो मैंने सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर कर दिए होंगे। और भी अगर आपको कुछ चेकआउट करना है तो मैं एक वीडियो हाईली रिकमेंड करूँगा कि हाउ टू क्लियर सी एस एग्जीक्यूटिव, मैंने इसमें कुछ टिप्स दिए, वो आप चेकआउट कर सकते हो। जरूरी नहीं अब भी चेकआउट करो, थोड़े क्लासेस होने के बाद चेकआउट करना वो वाला वीडियो, ओके। और सेकेंड, मैंने जब भी आपके एग्ज़ाम पास में रहे तो आप चेकआउट कर लेना कि पेपर लिखते कैसे, मैंने एक सेकेंड वीडियो डाला है जिसमें मैंने ये बताया कि पेपर हाउ टू सॉल्व, पेपर कैसे लिखते हैं, राइट। एग्जाम दे के बता क्वांटिटी कितनी लिखनी है, कितनी क्वालिटी लिखनी है, कितना 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना 2 पेज लिखना है, 1 पेज लिखना है, ये सब मैंने क्लियर किया है ये वाले वीडियो में, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, बट ये बाद में करोगे तो भी चलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट आपके सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए, पूरी नई दुनिया है, राइट। फर्स्ट इसमें हो सकता है आप फर्स्ट टाइम फेल एक्सपीरियंस करो, मतलब और फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा मेहनत करो, राइट। इसमें और देखिए, जब जो भी कोई बंदा सी एस एग्जीक्यूटिव क्लियर करता है उसे लगता है उसकी मेहनत की वजह से हुआ है, सारी चीज़ें राइट होनी चाहिए, आपके घर से सारा सपोर्ट होना चाहिए, आपके मॉम डैड का सपोर्ट होना चाहिए, आपके जो सिबलिंग्स है कजिन्स है उनका सपोर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, आपके टीचर ने राइट टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए, राइट, और राइट कोचिंग मिल जानी चाहिए, राइट हॉस्टल मिल जाना चाहिए, आप बीमार ना पड़ो, कोई फंक्शन ना आए। तो मतलब ये एग्जीक्यूटिव क्लियर करना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, इसमें सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती है, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन, सब राइट चीज़ें होती है, तब जाके वो इवेंट बनता है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करो। अगेन ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए, जो भी आप फ्यूचर एंडेवर्स करोगे। और बाय चांस इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट ना आता है तो एक चीज़ तो सीख जाओगे आप कि मेहनत करना, बाय चांस आप सीएस ना भी बने बट मेहनत करना तो सीख जाओगे बिकॉज ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव, राइट। वो भी सीख गए फिर आगे जाके आपको कॉलिंग आती है, आप आगे जाके यू फाइंड आउट योर पैशन, राइट। और अगर आपको आपको पैशन मिल गया और मेहनत करते आती है तो और क्या चाहिए लाइफ में, आपको पता चल गया कि रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको क्या करना है और आपको मेहनत करते आएगी उस चीज़ पे, बिकॉज सीएस एग्जीक्यूटिव में आपने इतनी मेहनत की है, और क्या चाहिए, राइट। तो मेहनत करना वेस्ट नहीं जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके सीएस एग्जीक्यूटिव में, अगर कोई काम नहीं है आपके पास, घर वालों से कोई प्रेशर नहीं है, राइट, जो कि 80-90% लोगों के पास नहीं होगा, राइट। आप स्टूडेंट हो, अभी सीसेट क्लियर किया है, तो 8-9 महीने आपके घर वाले आपको दे सकते हैं, एक साल, तो प्लीज़ 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 जितना हो सके पढ़ना, पढ़ाई पे फोकस करना, और कोई भी चीज़ों पे उल्टी सीधी चीज़ों पे ध्यान मत देना। ओके, क्लियर दिस ग्रुप। उसके बाद प्रोफेशनल न्यू जर्नी है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है, आई नो थोड़ा सा टफ है सीएस बनना, बट इट विल बी वर्थ इट। ओके।